श्री नानक पाद पंकज वंदन सिमरौ अंगद अमरदास गुर हृदय त्यावा श्री गुरु रामदास गुण गावा श्री अर्जन विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाओ बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला दस वे गोविंद सिंह विशाला तरो तरा तर पुन पुन सीसा बंदा वार वार जगदीसा श्री गुर शब्द कमाए जना जीते पंच बेकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन पार तार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी मोहे दूत कर अनक उपाये आने पुर मह हित अधिकाये
कहत शाहो कहो किसे पठावे। हम भी बहु उपहार अधिक चढ़ावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर सतगुरु, छत्र चबर तख्तां दे मालक, कुरता गद्दी ते सभाए मन पिता, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दी पवित्र ते पावन गोद विच सभाए मन होके शाम दे सोने दीवाना दा आप जी आनंद माण रहे हो। सतगुरां दी कृपा सदका कल शाम दे दीवाना विच सतगुरां दे पावन जीवन दे इतिहास विच आप जीआं ने कुछ अंश सरवण कीते सन। जिस वेले राजा जय सिंह सबाई ने सतगुरां दे सन्मुख बाबा राम राय जी दे बोले हुए बोल कबोल दसे ने, सहज सुभा सतगुरां ने रसना तो कह दिता, साडी सोभा नूं वेख के सड़न वाला तन अते मन करके सारी जिंदगी सड़दा रहे। जो गुरु नानक साहिब जी दी गुरता गद्दी नूं नीचा विखाउणा चाहुंदा है, गुरदेव कहिंदे चा करके भी जिंदगी दे विचो धी ते पुत दा मुंह नहीं देख सकदा। इस दुनिया तो खाली जाएगा बिना औलाद तो, भावे किन्ने भी ब्याह करवा ले। भी वचन सच होया। अगला वचन सतगुरां ने कहा, गुरता गद्दी ते नहीं मिलनी, इस दुनिया तो अवगत होके जाएगा, अवगत पाप मुक्ति नहीं होनी। ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਫਦਾ ਮਰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੜਫਣਾ। ਬੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। औरंगजेब बादशाह दे मन विच बड़ा खौफ है, बड़ा डर है। राम राय ने जो कीता उहदा फल भुगत लिया, शुक्र है साडा बचा हो गया। इहदे मित्र साडा सी, राग साडे ते भी आउणा सी। हुण उह बार बार बेनती करदा है, राजन तू सतगुरां नाल प्रेम बड़ा करदा है, किते एक मुलाकात गुरु साहिब जी दी मेरे नाल करा दे। मेरा भी चित करता मैं सतगुरां दी अखां दे सावे दर्शन दीदार करा। इत्थों तक आप सरबत संगतां ने सरवण कीता सी, बादशाह कोशिश कर रहे हैं, आओ उहदियां कोशिशां नूं फल लगदा कि नहीं लगदा, इतिहास किहड़े पासे चलिया। कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकागर चित बनाईए, सुरतियां बिरतियां करके चलिए बंगला साहिब दी पावन धरती ते, जिथे मेरे बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दी संगतां नूं नाम दा उपदेश दे के तार दे। अदब सत्कार सहित जपो जी सतनाम सिरे, सतनाम सिरे साहेब जी। मोहे दूत कर अनक उपाए, आने पुर में हित अधिकाए। औरंगजेब बादशाह जयपुर दे राजे राजा जय सिंह सवाई दे नाल बड़े अदब सहित गल करदा है। कहिंदा राजन, तेरा सत्कार साडी कचहरी विच भी है, पूरे हिंदुस्तान विच भी है, ते तू किन्नियां कर्मां वाला, तेरा सत्कार गुरु घर दे विच भी है। भावे तू किन्ना भी वटै, निम्रता तेरे विच ओनी दुगनी है। राजन मैनू इस गल दा पता है, सिखां दे गुरु गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह तेरी गल नहीं वोड़ सकते। बड़ा प्यार तेरे नाल सतगुरां दा, तेरा वचन सुन के महाराज कीर्तपुर साहिब तो दिल्ली आ गए, जदकि उन्होंने नहीं सी आउणा।
जे तू मेरी तरफ तो बेनती कर दई तरले कर ली चरण फड़ के सतगुरां दे अर्ज गुजार ली है पातशाह समय दी हकूमत आप जी दे दर दा पानी भरदी हुई दीदार करने चाहुंदी है राजन हो सकदा है साडा परला गुरु दे चरणा विच लिया होया सफला ही हो जाए कोशिश कर राजा जय सिंह सवाई कहना गल ते बिलकुल ठीक है एक पासे कोशिश मैं करा ए राजन औरंगजेब दूजे पासे तुसी अपना कोई दूत भेज दियो दोनों दे विचों जे एक पक्ष भी गल दा पूरा चढ़ गया ते तुहानू दीदार हो जाणगे मेरी ते एह सोच है कहत शाहो कहो किसे पठावे हम भी बहु उपहार चढ़ावे औरंगजेब कहिंदा जे मैं चल के जावा मैनू पक्का पता है सतगुरां ने मैनू दर्शन नहीं देने वादा कीता होया गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने मलेश दे ना दर्शन करने ते ना दर्शन देने जे मैं जा करके सतगुरां दे दर्शन वास्ते खड़ गया किते मैनू भी राम राय वाली तकड़ी च ना तोल देना खो सतनाम कोई उहनां दे ते वचनां दी वार नहीं साधुआं दा रब दे प्यारियां दा कोई निरादर करे ते निरादर ही कराउंदा है इज्जत करे ते इज्जत पाउंदा है इसे करके औरंगजेब कहिंदा राजन तू बड़ा सियाणा है क्योंकि राजा होण दे बावजूद तू धर्मी भी बहुत है धर्मी बंदियां दी मत सदा सियाणी हुंदी है ओह सलाह दूजे नूं ऐसी ही देणगे जिस सलाह विच उस मनुख दा भी भला होवे ते दूजे दा भी होवे कि संसारी बंदा जद भी किसी नूं सलाह देगा ओह कहेगा तू अपना फायदा वेख आपा दूजे तों की लैणा आखो सतनाम तू अपना वेख तेरा लाभ कित्थे हुंदा औरंगजेब कहिंदा दसो फिर किहड़ा दूत भेजिए जिस दियां गल्लां सुन के सतगुरु जी मैनू मिलण दा ख्याल बना लिओ अजे तक ते गुरु साहिब दे हिरदे विच ख्याल तक भी नहीं बादशाह नूं मिलण दा सतगुरां दा ते कोरा ही जवाब है पहले दिन तों ना असीं मिलणा ना सानूं मिलण वास्ते आखे गए औरंगजेब कहिंदा कोई ऐसा दूत मेरा होवे जो गुरु साहिब दे हिरदे विच मेरी जगह बना ले इतने बिखे शहजादा आयो पुत्र पेक कर उर हर खायो अजे कहिंदे कचहरी दे विच आही सलाह चलदी सी औरंगजेब बादशाह दा शहजादा पुत्र अचनचेत चल के कचहरी विच आ गया उम्र बड़ी छोटी है ना सी तारा आजम औरंगजेब का बड़ा पुत यही है जिन्हू दशमेश पिता जी ने अपने तीर दे नाल मारे अजे ते बच्चा है पांच साढ़े पांच साल की उम्र सी अचनचेत अपने साथियों के समेत चल के औरंगजेब की सभा च आ गया बैठे बैठे विचार करते करते बादशाह का ध्यान अपने पुत की तरफ गया उस तरफ देखदा है अंक ले कर कहे ओ लड़ाई तुम ही गम नह गुर निकटाई कहिंदे आ करके पुत ने पिता नूं मत्था टेकिया पैरी हाथ लाए औरंगजेब बादशाह दे मन च ख्याल आया कहिंदा दूत क्यों भेजना क्यों ना पुत भेज दे अपना जेड़ा सत्कार सतगुरु जी मेरे पुत करके मेरा करनगे वो मेरे दूत सेवादार नौकर वजीर दे भेजिया नहीं होना औरंगजेब दे मन दे विच ए सियाणप आ गई वो अपनी ए सियाणप राजा जय सिंह सवाई दे नाल शेयर करनी चाहुंदा है विचारनी चाहुंदा है ते राजा जय सिंह सवाई दे मन विच भी पहला तो ये ख्याल आ गया भी बादशाह आप ना जावे किसी होर नू ना भेजे जे अपना पुत भेज दे वे हो सकदा सतगुर कृपा ही कर देगा किते गुरु दी रहमत है ना होण वाला कार्ज भी कर देण ते करन वाला कम भी ना करन ए त्यों ना दी बौझ है जे बालिक बै अहै तिहारी ਤਿਮ ਗੁਰ ਹਿੰਦਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਰਾਜਨ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਹਾੜ ਨੂੰ ਹਾੜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ हो सकता है एक पक्की यारी बन जाए आखो सतनाम गुरु साहिब दे नाल प्यार बन जाए बादशाह दा पुत शहजादा है लोकी ओनू भी सलामा करदे
बचपन दे विच ही बिना मंगिया राज मिलिया होया जिहदा पिता राजा कोई उहदे पुत दा भी दुनिया पानी भरदी हुंदी है। रंग चिप के सलाह राजा जय सिंह सवाई नाल करन लग्या कहिंदा जे मैं अपना पुत भेज दिया कोई नुकसान ते नहीं होएगा। एक करके भी परमो जवाहर एक मह धर दीनार सुजाहर। राजा जय सिंह सवाई बड़ा खुश होया कहिंदा जी अपने ते अपने ही हुंदे। बादशाह जे तू अपने पुत नू भेजे मेरी गल याद रखी शहजादा बना के ना भेजी खाली मुड़िया। जे तू कुछ घटना चाहना दर्शन करने चाहना है अपने पुत नू गुरु घर दा सेवक बना के तोरी आखो सतनाम। वेखी सतगुर किन्ना प्रेम कर दे। हुण बादशाह दे मन च ख्याल आया कहिंदा पुत मेरा जावे हाथ विच सोने दा थाल फड़िया होवे। फारसी दे विच थाल नू रकेब कहा जांदा है। औरंगजेब कहिंदा जी जे मेरे पुत दे दोने हत्थां विच रकेबां होण सोना चांदी हीरे मोती रखे होण हम उम्र सतगुरां नूं जाके मत्था टेके ते भेटा रखे मैनूं उम्मीद है सतगुर प्रसन्न होणगे। अरपहु जाए भला निज जाच हो हित के वाक कहन महराच हो। ते पुत मेरा जाके सतगुरां नूं मत्था टेके नीवा होके बेनती करे सच्चे पातशाह आप जी ने सारिया का भला मंग दियो कि साडा भी भला कर दियो बेनती करनी पैणी। उत्थे सतगुरां ने बाणी विच कहा जिहदे अगे जोर ही ना चले उहनूं मत्था ही टेक दियो। जिस ठाकुर सिओ नाही चारा ताकौ कीजै सद नमस्कारा। जिस ठाकुर परमात्मा दे अगे कोई चारा जोर ना चले सतगुर कहंदे ओ क्यों सियाणपा मना उत्थे करदा ऐ उहनूं मत्था टेक लै नमस्कार कर दियो तेरा हो जू आखो सतनाम। जे तू सियाणपा ते चतराइयां करेगा उहने तेरा नहीं बनना दूर होएगा तेरे तो क्योंकि परमात्मा हमेशा चलाक बंदियां दी पहुंच तो दूर ही रहिंदा है। ਹਉਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਮ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮਿਠਾਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਆ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਏ ਅਮਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਵੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੋ। ਅਕਸਰ ਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਟ ਪੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਹੋ ਲਿਖਵਾਏ ਲਿਖ ਹਮੋ ਦਿਖਾਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ ਮਰਦ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
सुनत सजादा होए हो तैयार बहुत मोल के ले उपहार। ये गल औरंगजेब ने अपने पुत नु गोद विच बिठा के बड़े प्यार सहित समझाई, बेटा अज तू अपने पिता दे बहुत वड्डे मिशन ते चले है, जिंदगी विच मिशन ते मेरे बहुत सी परे सब तो वड्डा है, जिथे जाके मैं फेल हो गया। पुत सतगुरां कोल जाई शहजादा बन के ना जाई सेवक बन के जाई। कहिंदा ठीक है अबू जान, जिवें तुसी कह रहे हो वो अपने अब्बा दी हर गल सुनता है सुन के मनदा है। औरंगजेब आखन लगिया बेटा पहला ते करी बेनती जे सतगुरां ने साडी बेनती स्वीकार ना कीती ते कह दियो महाराज फिर कोई खत लिख दियो जिस खत दे सहारे सानू भी होवे वी साडी वी पत रह गई। आखो सतनाम एक ते जमाने विच पत रह जाएगी ते दूजा अंदरों कुछ सुकून ते मिलेगा भी कोई गल नहीं महाराज ने दर्शन नहीं दिते उन्हां दी मौज है कुछ ते लिख के भेजिया किसे ते सतगुरां दी हिरदे विच साडी थां है जिन्हां ने कुछ लिख के भेजिया। पुत बड़ा खुश होया कहिंदा पिता जी मैं इस सुभाग कम दे विच जावां ते मेरे ने तो वड्डे कर्म होर की हो सकदे। देखो उम्र छोटी है भावे औरंगजेब दुष्ट सी पर पुत दे विचार माड़े नहीं। तो पहले दिन तुसीं धर्मी सी कुरान पढ़न वाला सी सुनन वाला सी शरा विच चलदा सी जरूरी नहीं हुंदा जे पिता दा सुभाव बुरा ते पुत दा भी वैसा ही होंदा। कई बार कम उल्टा हुंदा है इत्थे लोग कहणगे जी जिहो जिहा प्यो उहो जिहा पुत होएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन है खून दा रिश्ता है। खून दे रिश्तियां दी केड़ी गल करदे हो एक पासे हरनाक्ष वेखो ते दूजे पासे भगत प्रहलाद देखो। आखो सतनाम है ते पिता पुत दा रिश्ता ना जमीन ते आसमान दा फर्क है। मनुख कदे खून दे रिश्तियां करके डीएनए करके सुभा नहीं बदलता। जद भी सुभा मनुख दा हुंदा है परिवार विचो जो ने सुनिया जो वेखिया ओहदे आधार ते हुंदा है। अज तक कि डीएनए भी करवाया जावे ना प्यो ते पुत दा उत्थे भी कितें विचारां दी गल नहीं हुंदी भी जो विचार पिता दे ओह पुत दे ने। कई बार पिता मापे अनपढ़ हुंदे ते बच्चे डॉक्टर बने हुंदे ने ए तां नहीं भी मापे अनपढ़ ते पुत भी अनपढ़ ही रहणगे। मनुख हमेशा विचारां तों सिखदा है। औरंगजेब भावे किड्डा भी जलबी है पुत दे विचार बड़े चंगे सी बड़ा खुश होया कहिंदा पिता जी सेवा मैनू दे दिओ मैं ते बड़ी निम्रता सहित जाणा है सवेर हुंदे आ मैनू गुरु साहिब कोल लै जाण तुहाडे तों मैं दीदार करने ने गमने साथ कितिक उमराव बस्तर भुखन रुचिर बनाव। अज बादशाह औरंगजेब ने आग्या दित्ती दूजा दिन होया कचहरी लगी है अपने लाल नूं कोल बुलाया अपने हत्थी तैयार प्रत्यार कीता बड़ा सोहना सजाया ते फेर कुछ दूत दे दित्ते ने नाल सरकारी सिक्योरिटी। हुण बादशाह दा पुत चलिया है वजीरां दे नाल जाणा ही आ क्योंकि उस समय दा इक राजा भावे संघासन ते बैठा नहीं बैठा पुत है बादशाह दा। औरंगजेब ने अपने पुत नूं तैयार कीता बड़ी शुभ सिख्या दित्ती बेटा गुरु साहिब तैनू कुछ भी कह देण बस नीवा ही होके चले जाई बराबरी नहीं करनी उम्र ना देख लई भी सतगुरां दी उम्र ते मेरे बराबर एवें होणगे। बंदा कई बार उमरां दे भुलेखे खा जांदा है कई बार इंसान बंदे दा रूप निहार वेख के भुलेखा खा जांदा बाहरों ते इंसान इंसानां वर्गे हुंदे ने भगत ते ठग होना ते अंदर दी विरती। आखो सतनाम चोर दे मुंह ते चोर थोड़ा लिखिया हुंदा पापी दे मुंह ते पापी नहीं लिखिया हुंदा ना बाहरों पता लगे कितें मनुख दे सुभा तो पता लगदा भी उहदी विरती किहो जी साधु संत महापुरख गुरमुख ये टैग कितें शरीरां नूं थोड़ा लगदे ये सब विरतियां ने। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਾ ਕਸਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇਣ ਹਉਮੈ ਕੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਹੂੰਦਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
तू नीमा होके जाई, मेनू पता है साडी आस तू दूर लगेगा, सतगुर जरूर बेनती प्रवान करनगे। चलियो संग जय सिंह सवाई, बोलत नकीब सो बाज बजाई। बस आग्या लेके कहिंदे अपने हत्थां विच दो थाल फड़े, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात दे, नाल चले ने दूत फौज चल पई, वजीर चले ने इन्हां वजीरां दे नाल तुरिया राजा जय सिंह सवाई। औरंगजेब दा शहजादा चले आ गुरु हरि कृष्ण पातशाह जी दे दर्शन करन वास्ते, कहिंदे पैरां च जोड़ा ला लिया। इह सत्कार हुंदा है। अज तुहानू सिख कौम दे प्रचारक इह कहिंदे जी मिल जाणगे, जी जोड़ा पा के फुलका खा लो वीर, किहड़ा जोड़ा मूंह चढ़ गया आखो सतनाम, कहिंदे मिलणगे। गल याद रखियो, क्योंकि इहो जिहा पासा पलटिया जा रहा है। सिख कौम नूं अज तक ना किसी ने मारिया, ना कोई मार सकदा। इह कौम दा खात्मा इक तरीके नाल ही हुंदा, आपां च लड़ के। जे सिख नूं ना सिख मारे, इह कौम कदे ना हारे। सिख कौम कदे किसी कोलो नहीं हारी, बेवस हो जाती है जदों भरा नाल भरा लड़न लग जाए, भरा मारू जंग हो जाए। हुंदी कदों, जदों अपने लोग अपने सिद्धांतां दीआं धज्जियां उडाउण लग जाण, बस फिर समझो खात्मा ही खात्मा है। डुबण दे किनारे उस समय दे बादशाह दा पुत की उहनूं जोड़ा लाउण दी लोड़ सी, कोई उहदे हेठां ते लोक कलीन बिछाउंदे, गलीचे बिछाउंदे ने, भावें उह रस्ते ते वी तुरिया जावे, पर उहने पैरां चों जोड़ा लाया अदब सत्कार वास्ते। मैं अपने तों वड्डिआं नूं मिलण चलिआं आखो सतनाम। उमर नहीं वेखी, उमरां करके कोई वड्डा नहीं हुंदा। सारी जिंदगी सियाणा कहा के वी मनुख कई वार सियाणा नहीं हुंदा। एक बच्चा छोटा जा 8-10 साल का, 20 बंदिया च बैठा ऐसी गल कर जाता, लोग कहते 90 साल की उम्र हो गई, आते सोच भी नहीं सकते जेड़ी गल कह गया, ये बड़ी चंगी गल कह गया। ज्ञान सियाणप उमरां दी मुथाद नहीं हुंदी, मत आ गए गुरु की कृपा हो जी ते 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल गुरु की कृपा ना हो वे ती अकल ना आवे, उम्र हो जे भावे 100 साल आख सतनाम। तभी धिया पुता दे आसे पासे गेड़े कढ़दा फिरदा, ठोकरा खाई जांदा, गाला भी सुनदा, फिर भी कही जांदा पुत मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा, मोह दी तंद है। पर रब नाल जुड़िया होया ओ किसे तो उम्मीद नहीं रखदा, ओदियां उम्मीदां निरंकार ते ने। जिंदगी विच सुख लिखिया धिया पुता तो मिल जाना है, जे नहीं लिखिया ना अठे पैर नाल रह के भी लोग सेवा ही कराउंदे आखो सतनाम। गाला ही सुनदे ने, वेखी रहे हो ना कि समाज विच हुंदा क्यों है। कुछ अपने कर्मां दीआं गल्लां, कुछ आप कीता होया, जो भी जो वट रहे ने, जैसे बच्चियां नूं संस्कार सिखाए, जिहो जी व्यक्ति उहनां दी बना दित्ती, उहनां ने उही कुछ करी जाणा बिना कहे। फिर वड्डिआं हो के पता लगदा अखां ते हथ धर धर रोंदे, उह छोटे हुंदे इहनां नूं हर एक मुसीबत विचों सुख दित्ता, आप दुख चले हर पासे सुख सहूलत दित्ती है। अज सुखां च एड्डी गलतान हो गई ते मापिआं नूं इह समझदे पाणी दा गिलास तक नहीं दे रहे, इह कुछ हुंदा ना। पर औरंगजेब ने अपने पुत नूं एड्डा आज्ञाकारी बनाया सी, आप भावे बुरा सी, आप भावे माड़ा सी, पर पुत वेखो किन्ने चंगे विचारां वाले, नंगे पैर तुरिआ आउंदा ते अगे भट बोलदे आउंदे, नकीब रस्ता खाली कर दे, बादशाह दा शहजादा आउंदा। राजा जय सिंह सवाई ने उसे वेले एक तार भेज दित्ती, एक मनुख भेजिया गुरु साहब नूं जाके बेनती कर दिओ, महाराज औरंगजेब दा पुत दर्शना वास्ते आ रहा है। नर तनाड़ अरबुद बिसाले, इलम विखै कामल संग चाले। बड़े लोग नाल तुरे जांदे, तनाड़ अमीर गरीब हर प्रकार दा मनुख नाल नाल जांदा, वेखदे ने कहिंदे बादशाह दा पुत गुरु साहिब दे दर्शन करन चले है। जदों इह गल राम राय नूं पता लगी, अंदरों अंदरी सड़के मर गया, कहिंदा कल तक दर्शन साडे करदे सी, अज किते होर ही फिरदे आखो सतनाम। मेरी पुछ प्रतीत कोई, क्योंकि सोना ते सोना ही है, पित्तल नूं जिन्नियां मर्जी पॉलिशां करी जाओ, आर्टिफिशियल जिन्ना मर्जी लै आओ, जिथे सोना आ गया सब कुछ फेल हो जाना है, सब कुछ कच हो जाना है, कीमत कोई नहीं। हुण गुरु साहिब सी सोने वांग शुद्ध पाक पवित्र हिरदे वाले, ते बाबा राम राय जी पैर पैर ते कपट करदे सी, पैर पैर ते चलाकी। जिस वेले
कहते दूर पहुंचे ने सभा को सतगुरु जी दरबार विच बैठे ने मंगला साहब की पावन धरती ते दरबार सजिया होया कि लाल किले चो निकलिया होया बिलकुल नजदीक आ गया छेती आउंदा तुरिया इथे सतगुरां दीआं गल्लां रस्ते विच हो रही ने कहते ओ शहनशाह ऐसे ने उथे वड्डिआं नूं स्पैशल सत्कार नहीं मिलदा ते छोटिआं नूं धक्के नहीं मारे जांदे सब लई एक समान सतगुर मिलदे ने सने सने पुर बिकैश सदा गमनत देख सबन अहलादा कहते शहजादे नूं ए गल्लां राजा जय सिंह सवारी ते उहदे मित्र समझाउंदे ने वेखी भाई किते गुस्सा खा दे भी मैं शहनशाह दा पुत ते मेरे तो पहला सतगुर जी गरीबां नूं मिली जांदे आ गल च उत्थे हौमे ना रख लई ओए उत्थे ते जिहड़ा आ गया समझ ला साडे तो वड्डा ही आ उहो जीवन करके अमीर है ना उहदा विरसा अमीर है किन्ने चंगे कर्म उहने कीते होणे जिहड़ा सतसंग दीआं घड़ियां च बैठा है कहिंदे शहजादा सुन के बड़ा खुश होया जी कहिंदा मैनूं परवाहे कोई नहीं बस मैनूं दर्शन गुरु साहिब दे हो जाण मैं ते अपने पिता दा कार्ज करने आया बस करके जाणा है श्री हर कृष्ण निकट सुख गई आए शहजादा भेटन लई कहिंदे चलदे चलदे शहजादा राजा जय सिंह सवाई दे बंगले तो बाहर जदों आया अंदर खबर पहुंच गई सतगुरु जी समय दी हुकूमत दे शहजादे आए नहीं मर्द कदे आउण दे कोई फर्क नहीं आई रख दे फिर की है कोई स्पेशल तैयारी नहीं इत्थे किसे एमएलए ने आउणा होवे ना किसे गुरुद्वारे च लोकां ने गुरु साहिब दे आए तो पानी छिड़किया नहीं हुंदा जिन्नी धरती उदों गिल्ली कीती हुंदी आखो सतनाम अज असीं सिर्फ बंदिआं दे पुजारी क्यों जुड़े आं साडे काम हो रहे ने असीं किसे तों की लैणा कम्मां तक जुड़ गए लालच तक जुड़े होए आ पर वेखो गुरु हरकृष्ण साहिब जी दा दरबार सतगुर कहिंदे सिखो नित दी रूटीन वांग सेवा करियो जो कुछ पहला सी ओही कर दियो दुपहर दा समा हो गया मर्द भोजन छकन चले गए हुण दरबार दी तैयारी चल रही है क्योंकि दोपहर तो बाद सतगुरां सिंघासण ते सजणा है ते राजे दा शहजादा भी वेट विच बैठा है उड़ीक विच जिन्हां दी लोक उड़ीक करदे ने ना देखण वास्ते औरंगजेब ते उहदा परिवार जिहनूं मिलण वास्ते आग्या परमिशन लैणी पैंदी सरकार दी अज ओह गुरु साहिब दे दरवाजे ते बैठा उड़ीकां करदा आखो सतनाम कदों अंदरों हुक्म आएगा कदों दीदार करांगे सत छेना कहै कनात तनवाई अनक बरन के फर्श दसाई सतगुरां ने हुक्म कीता सिखां नूं सिखो दरबार दी तैयारी कर दिओ पर विशेष तौर ते पहला दे वांग इक चिट्टा परदा ला दिओ जे असी दुश्त नूं नहीं मिलना ते उहदे पुत नूं वी क्यों मिलना आखो सतनाम औरंगजेब दे संगी जिहड़े नित नाल बहिंदे ने ओह काजी वल्लां वी ते नाल सी मर्द कहिंदे साडा जिहड़ा वादा ओह पूरा ते खरा ही रहिणा भावे कोई वी आवे मर्द जाणदे ने औरंगजेब दी इक साजिश है भावे ओह शरदा नाल भेजदा भावे प्रेम नाल भेजदा ओह चाहुंदा मैं किसे ना किसे तरीके दर्शन करना फिर चलाकियां नाल तेनी रब मिलदा आखो सतनाम रब दे दीदार उदों हुंदे ने जदों हिरदे चो प्रेम होवे प्रेम नहीं सी उते वेखणा चाहुंदा सी मैं मर्द नूं वेखां जिन्हां दी इन्नी शोभा हुंदी है राजा जय सिंह सवाई जिन्हां दे रोज गुण गाई जांदा है क्योंकि राजे महाराजे लोकां दे दिल च शरदा कदे बणदी नहीं जिहदे बण गई ओह राजा नहीं रहिंदा आखो सतनाम ओह राजे तों वी फिर जोगी ओह बणदा फिरदा कहिंदा मैं ते हुण बंदगी करनी मैं नहीं राजभाग करना झूठ दुकान इत्थे होर है कुछ नहीं कहिंदे औरंगजेब बादशाह दा पुत दरवाजे ते बैठा उडीकदा दुपहर वेले दीवान दी तैयारी होई सिखां ने परदा लाता कनात परवाह नहीं कीती पता है कल औरंगजेब कह सकदा मेरे पुत दा निरादर हो गया कि मैं ते गुरु घर ना जंग लाउणा है मेरा पुत इन्ने चा नाल गया सतगुर नहीं मिले गुरु साहिब कहिंदे असीं वचन पगाउणे ने वड्डे सतगुरां दे वचन साडे सिर मत्थे ने शास्त्र बस्तर सज कै बिद नाना बैठे आन सुपट बलवाना कहिंदे सतगुरां दे सूरवीर योधे दरबार विच आ के बह गए गुरु हरकृष्ण पातशाह जी भी चल के आए अज विशेष तैयारी है शस्त्र वस्त्र पाए होए ने बड़ा सोहना सरूप सतगुरां दा लगदा है संगतां सारियां बैठियां ने जिस पासे शहजादे ने बैठा सी बैठना सी मर्द ने परदा लाता कनात करती भी इस पासे तो ओह सानू ना दिसे असीं ओहनू ना वेख सकीए ओह सानू ना वेखे
ऐसा कार्य सतगुरां ने उस वेले कराया। मसंदा सिखां ने परदे ला दिते ने चारे पास, बेनती की महाराज परदा हो गया, आप दी हुक्म करो। ब्रिंद मसंद मेवड़े आए, चावरदार ने चावर टुराए। हुण चौरवरदार चौर सतगुरां तो करदे ने, चोबदार परदेयां तो बाहर खड़े ने, अरदासी सिख परदे दे पार खड़दे दूजे पासे, क्योंकि महाराज ने उन्होंने दसना सच्चे पातशाह फलाना आया, आ भावना आ गल बात है, क्योंकि गुरु साहब ने मथे नहीं उन्होंने लगना, मिलाप नहीं करना। अरदासी सिख चार पांच गुरु साहब दे सामुख हो गए, संगत आउण लगिया ने। हरि कनक रूपे सुठ चरी, चरीदार कर पंगत करी। सतगुरां ने हुक्म सुना दिता, भाई जिथे संगत आउंदी है शहजादा भी नाल ही आ जाएगा, बचनी होणगे। जो शहजादे ने डेढ़ दो घंटा उड़ीक की, औरंगजेब का पुत हिंदुस्तान का मालिक है, जिदी लोग उड़ीक करते बाबे नानक के दर ते बैठे वह भी उड़ीक करते आखो सतनाम। इस करके कहा जाता है सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। दुनिया विच सृष्टि विच वड्डा ते उह जिहड़ा किसी की परवाह नहीं करता, जिहड़ा एवें डर डर के फिरी जाए लोगों को आके मैं वड्डा, उह कादा वड्डा है, गुलाम की जिंदगी ते गुलामी वाली है। शेर वड्डा क्यों जंगल विच, उह डरदा ते परवाह नहीं करदा किसी की। सिख का जीवन शेरां वर्गा है, किसी की परवाह नहीं, जो होएगा वेखी जाएगी। परमात्मा ते डोरियां कहते शहजादा हाथ पैर धो के मुख धो के सतगुरां दे दरबार विच प्रवेश होया। हरी सवा आलस पर हरी, हरी मन हो लग शतरन करी। कहते जिन्ने भी नाल सी सारिया ने बड़े आदम सत्कार सहित गुरु साहब का सन्मान किया, जो जो मर्यादा सी फॉलो की है। राजा जय सिंह सवाई उस वेले नाल आ गया, क्योंकि ओने ते अर्ज करनी, महाराज ये आया इस कार्य वास्ते आया, विचोला सी विच दा। राजा जय सिंह सवाई कहिंदे नाल पहुंचिया, सब तो पहला दहलीज ते नमस्कार कीती, मत्था टेकिया जिथे संगतां चरण रखदियां ने। शहजादे ने अपना मस्तक उस पावन धरती नूं टेक दिता। शब्द रबाबे गावहे राग, राग प्रभु को जिस ते जाग। जदों सभा विच प्रवेश होया, अंदर बड़े प्यार दीआं धुनां गाईआं जा रही, रबाबी सिख रागां विच भिज के सतगुरां दे शब्द नूं गायन कर रहे। गुरबाणी दा शब्द जदों राग दे विच जुड़िया होवे ना, सुनण वाला जमाने नूं भुल जांदा, कहिंदा हुण सुण के ही जाणा है। बड़ा सही मन सी जदों शहजादे ने अंदरों धुनां सुनिया ना, धार्मिक ते आस्था वालियां पवित्र पावन, कहिंदे हिरदा खिचिया गया, सोचदा कहिंदा सारा दिन इत्थे बैठना है, क्योंकि बाहर पूर्व सुनदे सी गीत संगीत। मुसलमान धर्म दे विच राग सुनना उन्हां समयां च पाबंदियां हुंदियां सी, बगदाद विच भी सी। जदों गुरु नानक साहिब महाराज दे कहिंदे महाराज तुसीं आ क्यों करदे हो, इह ते लोक कामी विरती वास्ते करदे। सतगुरु कहिंदे संगीत नहीं माड़ा, गाउण दा तरीका माड़ा। आखो सतनाम। भांडे दा की कसूर है, भावे उस थाल विच जहर पा के खा लो, भावे अमृत पा के खा लो, ओह ते खाण वाले दी विरती है ना। इस संगीत विच राग विच सतगुरां ने बाणी उचारण कीती, जदों शहजादे दे कन्नां विच पई, पहला बड़ी निमरता विच सी, थोड़ा जिहा होर टल गया। हुण सोचदा कहिंदा जो भी सतगुर कहणगे मैं सिर मत्थे मन्नणा है, एक भी बोल नहीं बोलणा। इस चिन आए शहजादा गयो, वहर कनात सो नमरे पयो। कहिंदे जदों शहजादा अंदर पहुंचिया, कहिंदा गुरु साहिब ते दीदार नहीं हुंदे। राजा जय सिंह सवाई कहिंदा ना तेरे पिता नूं दीदार दित्ते, ना तैनू देणे। आखो सतनाम। उसे च थोड़ा आया बंदा पावर वरतदा है, जी मैं बादशाह दा पुत, कौन है जम्मिया जिहड़ा मैनूं दर्शन ना देवे, परां करो नहीं बोलिया। कहिंदा अच्छा जी सानूं दर्शन नहीं होणगे, पिता ने कहा सी ना नीवा होके चली जे कुछ खट्टड़ है। कहिंदा कोई गल नहीं, जे दर्शन नहीं हुंदे ते कोल बह के ते समां गुजार ही सकदे। आखो सतनाम। कनात तों बाहर मत्था टेकदा, परदे तों बाहर सतगुर पिछे बैठे ने परदे ते, कहिंदे आ के उहने नमस्कार कीती बड़ी शरधा नाल, 1% भी गिला नहीं भी साडे नाल विद करा क्यों, सानू दीदार क्यों नहीं। तन कर के भी दोनों आगे, मोहर जवाहर जोत सो जागे। बड़े अदब सहित गोटा मुंडा मारिया बैठिया, अपने दोने थाल परदे दे हेठां रखे ते हाथ नाल अगे करदे, पातशाह तुच्छ मात्र दी भेटा गरीबां दी परवाह न करियो।
कौन कहता है सेंटर गवर्नमेंट समय की निम्रता की है महाराज कुछ जी भेटा साडी कृपा करके स्वीकार करो कही बेबड़े हाथ पसार कर ऊंची अरदास उचार उसे वेले मेवड़े अरदास जी सिख ने अरदास की सतगुरु जी औरंगजेब का शहजादा आप जी के दरबार विच बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल आस लेके आया है इना ते कृपा करो सादर सब उमराव समेत स्थित सजादा बीच निकेत अगे दस अरदासिया पातशाह शहजादे दे नाल हाजरी भरन वास्ते काफी वजीर आए ने ते इना दी संधि दे विच मुख पक्षी है राजा जय सिंह सवाई वो लेके आया है गुरु साहब बड़े खुश हुए एक सिख नू अंदरों भेजिया कहिंदे सिखा अरदासी सिख नू कह दियो कि संगत विच बैठ जा इन्हां नू सन्मान दियो सिर निवाए सब बैठत भए जयपुर नाथ अगाऊ किए उसे वेले औरंगजेब दा पुत संगत विच बैठ गया संगत जिथे आम लोग बैठे हाथ जोड़े शीस नवाए बड़े सत्कार विच बैठा ते मर्द ने हुक्म कीता राजा जय सिंह सवाई नू बुलाया जाए ओ चल के पर्दा चुक के सतगुरां दे कोल आया कहिंदा गुरदेव हुक्म करो सतगुर कहिंदे राजन गल ध्यान नाल सुनी करे बंदगी शाहो दिशा ते बहरो कही मिलन की बातें सतगुर कहिंदे क्यों आया है गुरु साहिब पुछदे ने कहना महाराज अपने पिता औरंगजेब की तरफ तो बंदगी नमस्कार लेके आया औरंगजेब कहना महाराज मेनू तो मथे नहीं लाते मैं पुत के हाथी मथा टेक दे नमस्कार भेजते हैं भेटा लेके आया है सतगुरु जी के आने का मकसद है आप जी ना मुलाकात करनी मुलाकात गुरु साहब हस पे कहते राजन एक बार नहीं तेनू सौ बार किया क्यों समझ नहीं आउंदी आखो सतनाम सौ बार तेनू कहता सी मिलना नहीं चाहते तू क्यों जिद करदा है अगो राजी ने नहीं किया पर जो कहते सी मैं ता लै आया आपां ते माड़ी जी गल ते आपे तो बाहर हो जाने मैनू ब्लेम क्यों करता उसे वेले राजा हाथ छुट के कहता सतगुरु जी पता मैनू भी है पर औरंगजेब बादशाह चाहता है वो नित कोशिश करता है मेनू दीदार हो जाए जिवें मर्जी तुसी दर्शन दे दियो सतगुरु जी भावे दियो ना दियो इते आप दी मर्जी है आसरत हृदय लालसा है जिस ते रावर दर्शन लहे पर बादशाह दे हृदय विच इक लालसा है भी किते तुहाडे दर्शन एक बार हो जाए बार बार नहीं भावे एक बार ही बख्श दियो गुरु साहिब हसे के कहिंदे राजन वचन तेरा मोड़ भी नहीं सकदे ते वादा अपना तोड़ भी नहीं सकदे आखो सतनाम और तेरे प्यार विच असीं किथे फसदे इहनूं प्रेम कहिंदे ना ते अपना वादा तोड़ना जो कह दिता दर्शन नहीं देने जे हुण उह चल के आया उहदी लाज भी रखणी ते फिर बाद नूं ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸੇ ਹੇਤ ਕਰ ਪਠਿਓ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਨਿਤ ਦੇ ਪਿਤ ਰਿਦ ਅਹਿਲਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਸ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਨਾਥ ਸਾਥ ਬਹੁ ਕਹੇ ਬੀਚ ਪਾਏ ਆਵਾਹਨ ਚਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਾਈ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੋ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਮਿਲਵੇ ਗੇਰ ਮਗ ਕੁਦਾਏ ਕੇ ਚਲਤ ਵਡੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖੜਕੀ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਅਜੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਆਏ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਸ਼ਰਾ ਬੀਜ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਮਾਹਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਖਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹੈ ਕਹਾ ਲਗ ਸ਼ਾਹੋ ਵਡਾਈ ਰਾਖਤ ਸਾਜ ਪਾਜ ਉਗਰਾਈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਤਰਸੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਚ ਆ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਨੀ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪੂਜਣਨੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਦੰਬ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਨਮੋ ਤੁਮ ਕੋ ਬਚ ਲਖ ਭੇਜਿਓ ਹਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਪਖੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਓ ਕਰ ਜੋਰ ਸ਼ਾਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੁਮ ਔਰ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਨੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਾਲਸਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਕੀ ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਤੁਮ ਉਰ ਚਾਹੋ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰ ਮਿਲਣਾ ਉਮਾਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਮਰ ਕਹੋ ਨੇਕੀ ਨਾਹਿਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਏ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੋ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਕੇ ਲਿਖਵਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂ ਮਿਲ ਪੇ ਸਮਝਨ ਹੈ ਮਨ ਬਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਦਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਪਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਰਪਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਬਲਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
जो कुछ उत्थे हो रहे हैं एक सरपण दर्शन होंगे ने जो सुनिया दीदार करने महाराज कहते ठीक है राजन जे इसे गल की बादशाह खुश है शब्द लिख देंदे पर हुक्म शाह को ऐसे सहत प्रसन्नता बिल है जैसे राजा जय सिंह सवाई ने शहजादे की बेनती सतगुरां दे ताई सुनाई महाराज कहते भाई फिर कागज ले आओ वचन लिखना करड़ा भावे तेरे बादशाह नूं चंगा लगे भावे लगे बुरा कागज लिया वचन लिख दिता श्री गुरु नानक केर बनायो बीच फारसी के लिखवायो शब्द गुरु नानक साहब जी का उचारण किया सी है फारसी विच मर्द ने लिखवाया क्योंकि औरंगजेब गुरमुखी नहीं पढ़ सकता सी फारसी का आलम सी पढ़ता सी फारसी का विद्वान सी मर्द कहते राजन लिखो फारसी दे विच जो बोलते हैं ओदा उतारा कर लो श्री मुख वाक क्या खादे क्या पैदे हुए श्री मुख वाक गुरु साहब जी ने रसना तो उच्चारण किया कहते क्या खादे क्या पैदे हुए ऐ मना मेरिया की चंगे खाने खा ले तू चंगा हो गए चंगे खाने खा गए कोई चंगा बन जाता है जिन्ने मर्जी खा ले भावे खाना चंगा खावे भावे माड़ा खाए मनुख दे शरीर ने खाने नू गंदगी बना देना है क्या खाता है क्या पहनता है होए मर्द कहते जिन्ने मर्जी सोने कपड़े पा ले भावे ब्रांडेड भी पाई जाई शरीर ने ते मैल उन्हां नू भी लाउणी आखो सतनाम खान ते पहनन नाल की हो जू जे विचार चंगे ना होण या मन नाही सच्चा सोई ओ जिन्ना दे मन दे विच सच्चा वाहिगुरु दा नाम नहीं सतगुरु कहंदे फिर उहनां दा खाना भी जित खाते तन पीड़ी है मन में चले बेकार जित पहते तन पीड़ी है मन में चले बेकार सतगुरु कहंदे ओ जिहनूं खाद्यां तो जिहनूं पीत्यां तो जिस चीज नूं पहनियां तो मन बेकारी हुंदा है नरकां नूं ही जाएगा जे तेरे अंदर हिरदे च नाम नहीं परमात्मा दी याद नहीं ओ जिहड़े उस वाहिगुरु परमात्मा नूं जपदे नहीं मर्द कहिंदे बादशाह होके सिर ते ताज वी रख लैण मन नूं शांति आउंदी नहीं क्या मेवा क्या घिओ गुड़ मीठा क्या मैदा क्या मास सतगुरु जी कहिंदे क्या मेवा क्या घिओ गुड़ मीठा इह खाण दीआं वस्तुआं ने मेवे सुके ड्राई फ्रूट घिओ हो गया खुराक है पर अज दे समें च जहर है मिठा क्या मैदा क्या मास मैदे तो भाव जिन्हें हलवाइया के पकवान बनते ज्यादातर मैदा शिंगार होता है सतगुरु जी कहते क्या मास भावे कोई मास भी खाता है ये दिखावा कहते वास्ते बंदा भोजन विखा के कह सकता मेरा स्टेटस उच्चा मैं वे होटलों जाना सैवन स्टार फाइव स्टार यही है ना पर सतगुरु कहते वड्डिया थावां ते बैठण वालिया तू वड्डा तां होएगा तेरी सोच वड्डी होए सोच वड्डी तां होएगी जे तू नाम वड्डेगा जपिया आखो सतनाम भावे मास भी खाई जाई दुनिया के पदार्थ भी खा लई तू वड्डा नहीं बन सकदा महंगे खाने जिन्ने मर्जी होण जी परमात्मा नूं नहीं जपिया गुरु साहिब कहते कम की है किसे कम नहीं आउणे क्या कमड़ क्या सेज सुखाली कीजहे भोग विलास कोई राजा होके सोने कपड़े पा ले क्या नेम खवास सतगुर कहते फिर नेम तू भाव की है चूबदार पहरेदार ओ दरवाजिया ते खड़ते होण कीनो भोग विलास सोहनिया औरतां दे नाल भोग विलास भी करदा मर्द कहते चंदन चोआ नरक घोर का द्वारा ये सब कुछ गंदगी है जे हिरदे च प्रबंध ना जे परमेश्वर का नाम नहीं जपिया दुनिया दे सुख भी मनुख लई दुखदाई ने क्या लस्कर क्या नेव खवासी आवे महली वास की हो गया महिला विच रहण मनुख लग गया अंदरों ते सखना ही खाली तुरिया फिरदा आके दुनिया ते की होया जे लश्कर फौजां भी कठियां कर लिया लखा मर्द कहिंदे परमात्मा तो बगैर आया भी कला ते गया भी कला खो सतनाम लखा लश्कर फौजा कठिया करिया नाल ते जी कोई गया सिकंदर दुनिया तो तुरिया खाली हथ की फौजा गईया नाल अरबां दे खजाने इत्थी रह गए जांदा होया दुनिया नूं कह गया हथ जनाजे चो बाहर रख दियो ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਰਾਟ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਰਦਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ
ਉਤੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਹੀ ਨਰਕ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤ ਨਾਮ ਵੈਰਾਗ ਜਨਾਇਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਿਖਾਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਖਰਬਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੇ ਖੱਤ ਪੜਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਖੱਤ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੱਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਖੱਤ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਸਬੱਟੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਸਬੱਟੀ ਕਰਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤ ਨਾਮ ਵਿਰਾਗ ਜਨਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ